जज भ्रष्ट है, अजय शर्मा जज भ्रष्ट है, अजय शर्मा जज भ्रष्ट है, सीबीआई भ्रष्ट है। इन्होंने आरोपियों को बचाया है और कड़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने बचाया है। इन्होंने रजनीश राय को नहीं बुलाया, रमन पटेल को नहीं बुलाया, दशरथ पटेल को नहीं बुलाया, नर्मदा बाई को नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया इन्होंने, और आरोपी बचाया पूरी तरह से। इन्होंने 3 साल तक कंटिन्यू अजय शर्मा सीबीआई आरोपी बचाने में लगे थे, उन्होंने आरोपी बचा दिया। आप इस मामले को लेकर आगे कहाँ जाने की तैयारी में है? हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दो दो एफिडेविट फाइल हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर सोहराबुद्दीन को मारने के, कौशलवीर को मारने के बारे में, और उसके बारे में कुछ भी ना, कौशलवीर के बारे में कुछ जिक्र तक नहीं किया इन्होंने अजय शर्मा ने। गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहले बोल चुकी है कि सोहराबुद्दीन की उसकी पत्नी की हत्या हुई है, हम क्या आरोपी खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हैविस कार्कर का जवाब भी दिया कोर्ट ने, अजय शर्मा ने रजनीश राय को नहीं बुलाया, रमन पटेल को नहीं बुलाया, दशरथ पटेल को नहीं बुलाया, नर्मदा बाई को नहीं बुलाया, इनको किसी को नहीं बुलाया उन्होंने, क्योंकि उनको बुलाते ये तो आरोपियों को सजा होती है, ये न्याय हित में नहीं है। अमिताभ बच्चन की फिल्म थी अंधा कानून, उसमें कानून अंधा हुआ था, बगैर न्याय कानून बनाने वाले अंधे थे जो इन्होंने इस तरह के फैसला किया है।